ये देखे मामा, मैंने कुछ ड्रेसेस निकाले, ये देखे कैसा है। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर अच्छा नहीं। ये देखे कितना जबरदस्त है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत खूबसूरत है। ऐसा करना कि शजी को भी दिखा के जरा मशवरा कर लेना। क्यों, उसे क्यों दिखाऊं? ये मेरा ब्राइडल ड्रेस है, उसको मैं खुद ही पसंद करूंगी। शजी या कोई और कौन होता है ऐसे पसंद करने वाला? कब अकल आएगी तुम्हें? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, उसको दिखाओगी, हर बात में उससे मशवरा करोगी, उसे बताओगी तो उसे अच्छा लगेगा। शजी को तो आप रहने ही दें मामा, दुनिया का सबसे बोल्ड लड़का है। हनी आपने क्या देख के उसका रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया? अरे क्या बुराई है भला उसमें? अच्छा भला तो है, पढ़ा लिखा, हैंडसम, सबसे अच्छी बात ये उसकी जॉब कितनी अच्छी है। और एक क्वालिटी उसकी आप बताना भूल ही गई, वो अपनी आपा का कितना दीवाना है। मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में इसको अपनी आपा के अलावा कोई नजर नहीं आता। मैं जब उससे बात करती हूँ ना, वो मेरी और अपनी बात कम अपने आपा के कसीदे पढ़ता रहता है। सुन सुन के मेरे कानों में दर्द हो जाता है। वैसे ज़ारा तुम ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये आदत तो मुझे भी जहर लगती है ऐशा जी की। हर बात में अपने आपा के कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है। आदत तो क्या, जो तो उसकी आपा ही जहर लगती है। शजी के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बक देना। बहुत कुर्बानियां दी हैं अंजुम ने, शादी नहीं की। आज अगर उसकी शादी हुई भी होती तो बड़े बड़े बच्चे होते, उसका अपना घर बार होता, और बहुत प्यार करता है वो अपनी आपा से। ख्याल किया करो तो। मामा आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि शजी के सामने उसकी आपा की बुराइयां करूंगी? नहीं बेवकूफ नहीं हो तुम, ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसका पता नहीं चलता कब चल पड़े कहाँ चल पड़े, कंट्रोल नहीं है तुम्हें। आप भी मैं भी। बेगम साहिबा, अंजुम बीबी और शजी साहब आ रहे हैं। ये देखें, ये कौन सा तरीका है, अचानक से मुंह उठा के हमारे घर आ गए। अच्छा तुम जाओ उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ हमारे। जी बेगम साहिब। देखें यही कह रही थी मैं, तुम्हें अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है, कम से कम मुलाजमों के सामने तो ख्याल किया करो क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बक देती हो एक मिनट में, चलो खुलिया दुरुस्त करके आ जाओ, मैं जा रही हूँ। नहीं आप ही जाइए उनकी आपा के कसीदे सुनने, मैं नहीं आ रही। अच्छा चुप करो। एक बार मेरी शादी हो जाए, इस आपा को तो अच्छी तरह ठिकाने लगती। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, शॉपिंग करके आ रही हो क्या? जी अपनी लाडली भाभी के लिए शॉपिंग के लिए लेके गई थी मुझे। अच्छा जी, वो आपा हम लोग जारा की शादी का जोड़ा लेकर आए। जारा की शादी का जोड़ा तुम क्यों लाई? मेरा मतलब है कि तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, इनकी शादी है खुद करते शॉपिंग। वही तो आपा, मैं भी शजी से कह रही थी कि तुम दोनों जाके अपनी पसंद से शादी का जोड़ा ले लो, लेकिन आप तो जानती हैं ना शजी को कितना जिद्दी है, ये कहने लगा कि मेरी शादी की सारी शॉपिंग आप ही करेंगी। इसे पूरा भरोसा है मेरी पसंद पे। अरे जब आप हैं तो हमें अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए क्या जरूरत? आप क्यों आंटी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। वैसे जारा कहाँ है? अच्छा होता तो वो भी अपना शादी का ड्रेस सीख लेती। कमरे में जाओ, जाके बुला लो। जी जी। एक मिनट, तुमसे जरा बात करनी है। शर्जी के बच्चे डरा दिया तुमने मुझे यार, ये क्या हरकत है? हाँ यार अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ, मेरे बच्चे कहाँ से होंगे? तुम यकीनन मेरे ख्याल में कोई भी होगी,
वैसे नॉर्मल है, शादी से पहले अक्सर ऐसा हो ही जाता है। अच्छा, ये आपकी खुश फैमिली है। मैं अपना म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। वाह, हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप यहाँ पर अपना म्यूजिक एंजॉय कर रही हैं। क्या बात है यार, तो इसमें कौन सी नई बात है यार, तुम तो हो ही फारिग, हर दिन यहाँ पे आ जाते हो। एक मिनट, क्या कहा फारिग? यहाँ मैं और आपा तुम्हारी शादी के ड्रेस लेने के लिए गए थे, मार्केट में ख्वार हो रहे हैं और तुम हमारी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर रही हो। क्या बात है यार, तुम मेरी शादी का ब्राइडल ड्रेस लेने गए थे? क्यों क्या पुराने कपड़ों में शादी करोगी? नहीं ना, इसलिए ब्राइडल ड्रेस जरूरी था तो मैं आपा को अपने साथ ले गया। यही मैं कह रही हूँ कि अपनी आपा को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी, शादी मेरी और तुम्हारी हो रही है ना, हमें साथ जाना चाहिए था यार। ओके, रिलैक्स, आपा की पसंद अच्छी है तो मैंने आपा से इंसिस्ट किया कि मेरे साथ चलें तुम्हारी शादी के ड्रेस लेने के लिए, तो मेरे साथ चली गई और यकीन करो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आई है वो। नहीं एक सेकेंड, क्या मुझे शॉपिंग करना नहीं आती या मेरी चॉइस अच्छी नहीं है? नहीं बता दो। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें शॉपिंग करना नहीं आती? तुम्हारी चॉइस भी अच्छी है लेकिन आपकी शायद हम दोनों से ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए। तुमने ना शर्जी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें ना मुझे साथ लेके जरूर जाना चाहिए था यार, ये मेरा कंप्लीटली हक था। अच्छा ज़ारा, रिलैक्स हो जाओ, प्लीज काम डाउन। सबसे पहले एक दफा चलो मेरे साथ चल के अपना ड्रेस देख लो, अगर पसंद आए तो उसके बाद कहना। प्लीज कम ऑन यार, आके एक दफा देख तो लो, आओ तो मेरे साथ। मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है वो, मुझे पता है। देखो अंजू, तुम्हें ना ये ज़ारा की शादी का जोड़ा नहीं खरीदना चाहिए था। ये खरीद के तुमने ज़ारा को दुख पहुंचाया। ये आप क्या कह रही हैं आपा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। हाँ तो कैसे समझोगी मेरी बात का मतलब? तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है। देखो अंजुम, मुझे पता है तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें, जाहिर है तुम्हारी शादी ही नहीं हुई अभी तक। तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़कियां जो हैं वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए कैसे एक एक चीज। जी आप सही कह रही हैं, मैं भी जाना नहीं चाहती थी लेकिन बस शजी ने जिद की तो इसीलिए। आप ऐसा करें कि आप ये जोड़ा रहने दीजिए और ज़ारा से कहें कि वो अपनी अपनी पसंद का जोड़ा ले आए। नहीं नहीं, अब रहने दो, ले आई हो तो उसे मैं समझा लूँगी। देखो आइंदा ख्याल रखना अंजुम इस बात का, बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें अपनी मर्जी से जीने दो। ये तुम अपना प्यार मोहब्बत किसी और तरीके से दिखाया करो। बैठो, चाय लो, मैं आ रही हूँ ज़रा। आपा ने मुझसे कहा था कि सबसे पहले दुल्हन को उसकी मुंह दिखाई देना क्योंकि वो उसका हक होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं इतनी बार तुम्हारा मुंह देख चुका हूं तो इस मुंह पे मुंह दिखाई बनती है या भी नहीं। अच्छा लो, अब मैं मुंह दिखाई लेके आ ही गया हूं तो दे भी देता हूं। ये आपकी चॉइस है या ये भी आपकी आपा की चॉइस है? ये मेरी पसंद है और ये खास और खास आपके लिए बनाई है मैंने। ये तो बहुत हैरत की बात है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था आपकी चॉइस इतनी अच्छी है। मेरी चॉइस का तो अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकती हैं कि मैंने आपको भी पसंद किया। आप भूल गई, मुझे भी तो आपकी आपा ने आपके लिए पसंद किया था ना। लेकिन अब आप मेरी पसंद हैं क्योंकि मैं जानता हूं आपा हमेशा मेरे लिए बेहतरीन चीज पसंद करती हैं और देख लो उन्होंने तुम्हें पसंद करके साबित कर दिया कि वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हैं।
इसीलिए तो सारी दुनिया मेरी आपा की मोहब्बत की मिसालें देती है। इसको इस वक्त भी मुझसे ज्यादा अपनी आपा की लगी हुई है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा जारा, एक खास बात करनी थी। देखो मैं आपा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी इतनी इज्जत करो। वादा करो मुझसे। आप फिक्र ही ना करें, मैं आपकी आपा का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। ऐसे क्या देख रहे हो? नजर लगाने का इरादा है। तुम्हें नजर नहीं लगेगी, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि ये कलर तुम पे कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये मेरा फेवरेट कलर है। जो तो पता ही नहीं था, बताता तभी तो पहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी भाभी कल से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये देखो, ये सेट मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। ऐसा करो, इस सूट के साथ ये सेट पहन लो। लेकिन आपा, ये तो आपका सबसे फेवरेट सेट है ना? हाँ मेरा फेवरेट सेट है, लेकिन आज से ये जारा का है। नहीं, ये बहुत हैवी है, और अभी मुझे इस तरह कैजुअल में ये पहनना ठीक नहीं लग रहा। वो मुझे हल्की सी चेन पसंद है तो वो मैंने पहन ली है। ठीक है, यही सही है। वैसे भी तुम जो भी पहनो, तुम पे सब सूट करता है। अच्छा तुम लोग जल्दी से तैयार होके जाओ, आपा इंतजार कर रही होंगी। ये लो। सारा, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सेट पहनना चाहिए, तुम पे काफी अच्छा लगेगा। मगर शजी ये बहुत हैवी है, और मैं इस तरह का हैवी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना पहन लो तो पहन लो, मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ। पानी किस नियत से दिया है, खुल भी नहीं रहा लगता। मम्मा मैं आपको क्या बताऊं, ये अंजुम आपा ना तो मेरी जान का रोग बन गई हैं। इनके दिखावे की मोहब्बत के चक्कर में मैं तो पिस जाऊंगी। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? कोई एक बात हो तो बताऊं ना, हर बात में मेरी हर बात में टांग अड़ाती हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं करो, और वो शाजी उन्हीं की हिमायत करता है, हाँ में हाँ मिलाता रहता है। एक बात जान गई हूं मैं मम्मा, जब तक वो औरत उस घर में है ना, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। ये समझ नहीं आता कि कैसे जान छुड़वाऊं उनसे। क्या हो गया जारा, इतनी नाशुकरी ना बनो। एक ही नंद है तुम्हारी, वो भी नहीं बर्दाश्त हो रही तुमसे। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, जाओ जाके देखो लोगों को कैसे पूरे के पूरे कुंभे झेल रहे हैं। झेल रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं झेल सकती। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं उस शज्जी की तरह अंजुम आपा के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहूंगी, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊँ। देखो जारा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर अपने शोहर के दिल में घर करना चाहती हो ना, तो बहुत डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। उसके सामने कभी भी उसकी बहन से बुरा सलूक ना करना,
वरना तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानती मम्मा, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप उस अंजुम आपा से मेरी जान छुड़वा रही, नहीं तो मैं वापस इस घर में आ जाऊंगी। ओफो, अब इतनी भी जज्बाती मत हो। जैसे वो दिखावे की मोहब्बतें करती है ना, तुम भी थोड़े दिन दिखावा कर लो, क्या जाता है। फिर देखती हूँ मैं उस अंजुम की शादी करवाती हूँ कहीं रिश्ता देख के। क्या हो गया मम्मा? अंजुम आपा की शादी? कौन करेगा इस उम्र में उनसे शादी? मेरी बात सुनो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। मैं जाहिर है उसके लिए उसकी उम्र का ही कोई देखूंगी ना। मैं तो कोशिश करती हूँ, तुम्हारी नजर में कोई है तो तुम भी बताओ। नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल नामुमकिन। और मैं पागल हूँ जो इस उम्र की औरत के लिए रिश्ता ढूंढती फिरूं? वैसे मेरे अपने बहुत काम है। ठीक है तो फिर झेलती रहो, क्योंकि तुम्हारा शौहर अपनी बहन को बहुत चाहता है। याद रखना कि वो तुम्हें तो छोड़ सकते लेकिन अपनी बहन की बात कभी रद्द नहीं करेगा, समझी? क्योंकि तुम्हारा शौहर अपनी बहन को बहुत चाहता है। याद रखना कि वो तुम्हें तो छोड़ सकते लेकिन अपनी बहन की बात कभी रद्द नहीं करेगा, समझी? सारा, क्या हुआ? मैं कल से देख रहा हूँ तुम मुझे परेशान लग रही हो, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। हाँ, मैं परेशान तो हूँ और तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। बस ये सोच रही हूँ कि तुम मुझे गलत ना समझो। क्या हो गया ज़ारा? भले मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगा, बताओ क्या बात है? शाजी, मैं सोच रही थी कि हम आपा की शादी करवा देते हैं ना। आपा की शादी? ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? क्यों? मेरा मतलब है आपा की शादी हो सकती है, ये तो उनका हक है, उनकी खुशी है, है ना? हाँ, हो तो सकती है, लेकिन आजकल के लोगों को तुम जानती हो कितने डिमांडिंग होते हैं। नहीं नहीं अच्छे लोग भी मौजूद हैं। देखो, जब तुम्हें उनकी जरूरत थी ना, तो उन्होंने सब कुछ भुला के तुम्हारे लिए कुर्बानी दी थी। और अगर अब तुम ऐसा सोचोगे तो फिर तो ये खुदगर्जी होगी ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपा इस बात पे कभी राजी नहीं होंगे। तुम राजी हो जाओ, हम दोनों मिलकर आपा को मना लेंगे। देखो, इसमें उनकी ही खुशी है, उनकी ही बेहतरी है। और तुम जानते हो, मम्मा ने तो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है आपा के लिए। और अगर तुम इजाजत दो तो मैं उनको घर बुला लूं। तुम लोगों ने आपा के रिश्ता ढूंढ लिया, आपसे पूछा इस बारे में? नहीं नहीं, हम उन्हें सरप्राइज देंगे ना। सरप्राइज? अच्छा, वैसे तुम कितना सोचती हो आपा के बारे में, उनका कितना ख्याल रखती हो? इतना तो शायद मैं भी ख्याल नहीं रखता उनका। वो तो मेरा फर्ज है। अरे ज़ारा, तुम किचन में क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ है और तुम्हें किचन में आना अलाउ नहीं है अभी, इसलिए चलो किचन से बाहर जाओ। आज खाना मैं बनाऊंगी, ठीक है? और तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। आज फजीला का भी ऑफ है, उसकी बहन की शादी है, लाओ मैं बनाऊँ। अब नहीं आप, खाना तो आज मैं ही बनाऊँगी, वो मेरे कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे हैं ना। मेहमान कौन? मेरी आंटी और उनके भाई आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, आप भी जाएं, तैयार हो जाएं। मैं क्या करूंगी उनसे मिलके? ओहो, आपा बहस नहीं करें, मेरा मतलब ये है कि जब वो आएंगे ना आपको पता चल जाएगा। अब आप जाएं, जल्दी तैयार हो जाएं, वो आते ही होंगे।
असल में भाई तो राजी नहीं थे शादी करने के लिए, बड़ी मुश्किल से मनाया है इन्हें मैंने 10 साल के बाद। यूनुस भाई, आप ऐसे करते क्या हैं? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, आप जहाँ से चाहें तसल्ली कर लें। यूनुस, इसकी क्या जरूरत है भाई, ये तो गहरों में होता है और तो तुम्हारा अपना घर है। मेरा दामाद शजी बहुत ट्रस्ट करता है मुझ पे, है ना शजी? जी 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 बिल्कुल, आंटी ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। ये मेरी नंद है अंजुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठे ना, तो आप यहाँ बैठ जाए, बैठ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, क्यों यूनुस? हाँ बहुत अच्छी, मुझे पसंद है। बस मैं तो कह रही हूँ आज ही मैं रिश्ता पक्का कर देती हूँ। अंगूठी लाए हो ना? हाँ लाओ। तो लाओ बेटा। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? कोई तमाशा नहीं चल रहा है, आपका रिश्ता तय किया जा रहा है। सारा ये क्या हरकत है? अगर आज के बाद तुमने ऐसी बेहुदा हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? और प्लीज आप लोग यहां से जा सकते हैं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। आप लोग बैठे, मैं ये एक मिनट में आता हूँ। बैठो बैठो। मैंने आपा को अपनी सगी बहनों की तरह समझा, उनके लिए अच्छा सोचा, और मेरे खुलूस का क्या सिला दिया उन्होंने मुझे। सही कहते हैं लोग, भाभी चाहे कितनी अच्छी हो नंद की नजर में बुरी होती है। सारा देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे पहले भी कहा था आपा कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगी, लेकिन तुम मेरी बात को मानती कहाँ हो? सारा वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। दिखावा करती हैं वो ये सब कुछ, तुम्हारे साथ हमदर्दी करती हैं ताकि लोग उनके साथ हमदर्दी करें। तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। देखो तुमसे मोहब्बत करने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि वो मेरे घर वालों को और मुझे जलील करती रहें। पता नहीं यूनुस भाई क्या सोच रहेंगे, आंटी क्या सोच रहेंगी तुम्हारे बारे में, तुम्हें इस बात का ख्याल है? बस अब बहुत हो गया, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी उस घर में मैं रह ही नहीं सकती। जा रही हूँ मैं अपनी मामा के घर। जारा मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। देखो आपा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं शर्जी, अगर तुम्हें तुम्हारी आपा अजीज है तो मुझे मेरे यूनुस भाई अजीज है, और अब मेरी यही शर्त है, अगर आपा की शादी यूनुस भाई से होगी तभी मैं इस घर में रहूंगी, वरना मैं यहां नहीं रहूंगी। आपा, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जारा की नेकी के बदले में आपके साथ ये सुलूक करेंगी। नेकी? तुम जारा की इस हरकत को नेकी कह रहे हो? जारा इस उम्र में मेरा तमाशा बना रही, जारा को इस बेहुदा हरकत पे रोकने की बजाय तुम आज अपनी बड़ी बहन के सामने खड़े होकर उससे सवाल जवाब कर रहे हो। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे शजी, लोग तो हम दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत की मिसालें दिया करते थे, सारा के आने के बाद सब कुछ क्यों बदल गया? तो इसका मतलब है इस घर में जारा के साथ कोई कुछ भी करे और मैं खामोश रहूं? अब वो मेरी बीवी है और इस घर की मालकिन है, तो उसकी अच्छाई है कि आपके बारे में वो इतना अच्छा सोचती है। आपको तो पता है ना कि भाभियां नंदों के साथ कैसा सुलूक करती हैं। मालकिन, सारा इस घर की मालकिन,
तो फिर मैं कौन? देखें आपा, लड़कियां अपने शोहर के घर की मालकिन होती हैं। वो मेरी बीवी है, उस घर की मालकिन है, खैर जाने दें। अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, वो घर छोड़ के जा रही है, आप रहिएगा इस घर में आराम से, सुकून से, खुश। सारा घर छोड़ के जा रही, तुमने उसे रोका नहीं? नहीं, अब मैं रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे रोकूंगा तो उसकी एक शर्त है कि आप यूनुस से शादी करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो ठीक, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम समझ जाएंगे कि जो कुछ आप कर रही हैं सब कुछ दिखावा है। सारी जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं कि मुझे बिजनेस में लगाने के लिए पैसा मिलेगा। तमीशी की हद होती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाय रख दो। क्या हुआ, नौकरी मिली आपको? बस शुरू हो गई, एक ही सवाल है तुम्हारा, नौकरी मिली आपको? नौकरी मिली आप, ऐसा लगता है ऐसे घर में भूखी मर रही हो। कमाल यार, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे। तो क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछ रही हूं? एक बात कान खोल के सुन, जब तक मुझे मेरे मतलब का काम नहीं मिलता मैं नौकरी नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें इतनी पैसे की जरूरत है ना तो जाके अपने भाई से मांगो। क्यों, मैं उससे क्यों मांगू, जबकि मैं तो आपकी जिम्मेदारी हूं ना। यही तो मसला है, ये जिम्मेदारी लेके मैं फंस गया हूं। आप क्या कह रहे? और क्या कहूं, क्या कहूं, इतना कमाता है तुम्हारा भाई, कभी एक ढेला दिया उसने तुम्हें? ख्याल ही नहीं है बहन का? ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे बहुत कहता है लेकिन मैं ही उसे मना कर देती, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इस तरह किसी की मदद लेना पसंद नहीं आएगा। ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती कि तुम हो ही इतनी मनहूस और इतनी शोबाज औरत कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा उसका बेड़ा गर्क ही होगा, सो हो रहा है मेरा। ठीक, ये आप क्या कह रहे हैं, जारा मेरे लिए ऐसा नहीं बोल सकती। कैसा नहीं बोल सकती, तुम्हें क्या लगता है जारा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है? ऐसा नहीं है बीबी, सच तो ये है कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे झांसा देकर तुमसे मेरी शादी करवा दी कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मुझे कारोबार के लिए ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेकिन शादी होते ही मुकर गई और अब कहती है कि इस ड्रामेबाज के लिए पैसा कहां से लाऊं? नहीं, मैं नहीं मानती। मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है कि जारा पहले दिन से जानती थी कि ना मेरे पास कोई नौकरी है ना मेरे कोई कारोबार है, उसने फिर भी तुमसे झूठ बोला। खैर, मैं उससे अपनी रकम तो निकलवा ही लूंगा, अगर उसने नहीं दी उसे बख्शूंगा नहीं, शजी को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा।
जारा, मैंने तो तुमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन तुमने झूठ बोलकर मेरी शादी यूनुस से क्यों करवाई? क्योंकि आप मेरे और शजी की मोहब्बत के बीच में खड़ी थी, और वैसे भी आपके दिखावे की मोहब्बत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यही मुझे बेस्ट हल लगा। और अब जो होना था वो हो गया है, जाएं अपने घर, जाएं अपने घर को संभालें, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करें और हमारा पीछा छोड़ दें बस। मैं चाहूं तो ये सारी बात शजी को बता सकती हूं, लेकिन मैं उसकी खुशियां खराब नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। फिर एक नया शोशा छोड़ दिया आपने। क्या चीज है आप पापा। यूनुस भाई की मिसाल ले ली, मतलब शादी होने से पहले वो बंदा लाखों में खेल रहा था, और आपसे शादी होते ही कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। जाए मसल्ले पे जाके उनकी जॉब के लिए दुआ करें। कमाल है, नेकी करो वो भी गले में आ जाती, शादी करवा दी, नेकी कर दी, उसके बावजूद हम ही बुरे। शजी, 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 सारा, शजी, सारा, तुमसे कितनी दफा डॉक्टर ने कहा था कि अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। अच्छा खड़ी हो, खड़ी हो, तुम परेशान ना हो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो आराम से। मीना बेबी, मीना बच्चा, मम्मा की जान, मम्मा का बेबी, तो बेबी गुगु। अरे तुम लोग इस तरह अचानक, अब कैसी तबीयत है मेरी प्यारी सी भाभी की? आप इतनी इज्जत ना दिया करें मुझे, आप इसके काबिल नहीं हो। प्लीज मुझे माफ कर। अरे ये क्या कर रही हो? आप ये जो कर रही है इसे करने दीजिए, शायद शायद इसी तरह इसकी गुनाहों की माफी से मिल जाए। इसने हमेशा आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस को झूठा समझा, जबकि ये खुद अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम शची? और प्लीज आज के बाद मेरी भाभी के लिए ऐसी बात मत करना। शची बिल्कुल ठीक कह रहे, मैंने आप दोनों को अलग कर दिया, आपके खुलूस पे हमेशा शक किया, शायद इसी की सजा मिली है मुझे कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या क्या कह रही हो ये? यही सच है, आप डॉक्टर्स यही कहते हैं। पापा हो सके तो मुझे माफ कर दे, इससे मेरी गोद तो कभी नहीं भरेगी, लेकिन मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। किसने कहा किसने कहा कि तुम्हारी गोद नहीं भर सकती? ये लो मेरा बच्चा, इसे मां बनकर पाल, मुझे खुशी हो। नहीं आपा, ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी भर हर कीमती चीज आपने हमें दी है, और आज आज इतनी बड़ी कुर्बानी अब हम नहीं ले सकते आपा, नहीं ले सकते। शजी तुम मेरे बेटे हो, और कोई भी माँ अपने बेटे का घर सोना नहीं देख सकती, इसलिए आज से मेरा बच्चा तुम लोगों का ये सोनापन दूर करेगा, और इसी में मेरी खुशी है।
यूनुस भाई। मैं जरूरतमंद हूँ पर हाथ फैलाया नहीं, धूप है सर पे कड़ी पर फूल मुरझाया नहीं, कांपते हाथों में अपना हाथ देने आ गए, मुश्किलों में तुम जो मेरा साथ देने आ गए, शुक्र करते आंसुओं ने देख ली है इंतहा, बेबसों की बेबसी सबको दिखाना है गुनाह, सबको दिखाना है।